स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की जो कि पीबी के द्वारा लाया गया है। और वो अपडेट क्या है हम चल करके देख लेते हैं। तो अपडेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए और यहाँ पर आपको देखेगा टेस्ट एडमिट कार्ड हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी के टेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपडेट ये आप देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। ओके, तो टेस्ट एडमिट कार्ड आ चुके हैं हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी के। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर सिर्फ आपको आपकी डेट पता चलेगा और टाइम पता चलेगा कि आपका एग्जामिनेशन किस डेट को है और किस तारीख को। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं। और ये देखिए हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पर पेपर वाइज आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज है पेपर। यहाँ पर देखिए ये रहा आपका पेपर, ज्योग्राफी का है। 1 फेब को 7:30 से 9 रिपोर्टिंग टाइम, 9 से 12। फिर आपका सेकंड जो पेपर होने वाला है, पेपर फर्स्ट आपका हिंदी सैटरडे को रहेगा 9:30 से 12। फिर 12:30 से 2 बजे तक का यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है, 2:30 से 5 बजे तक रहेगा। ठीक है पेपर। और नेक्स्ट उसी दिन रहेगा एक पेपर सैटरडे को, तो 2 शिफ्ट यहाँ पर हो गई। फिर है आपका बायोलॉजी का जो कि संडे को होने वाला है, फिर है आपका इंग्लिश का, फिर है कॉमर्स का, संस्कृत का, ठीक है, और सोशोलॉजी का। इसके अलावा और देख लेते हैं विच सब्जेक्ट यहाँ पर आपको ले चलती हूँ मैं। मैथ्स है यहाँ पर, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो अभी तक टोटल 11 सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग टाइम डेट एग्ज़ाम डेट मिल जाएगा। इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सभी के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो अवेलेबल होंगे सून। अभी तो इन्होंने टोटल आपको 10th जो पेपर होने वाला उनका दे दिया है। और यहाँ पर आप देखिए पॉलिटिकल, मैथ है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, हिंदी, ठीक है, हिंदी वालों का 2 शिफ्ट में होने वाला है और बायोलॉजी वालों का ओनली 1 शिफ्ट में रहेगा। और उसी दिन 2nd शिफ्ट में इंग्लिश का रहेगा, कॉमर्स 1 शिफ्ट में होने वाली है, संस्कृत, सोशियोलॉजी, मैथ्स भी ओनली 1 शिफ्ट में होने वाला है। आई थिंक इट्स डिपेंड कि जो कैंडिडेट्स थे वो किस हिसाब से हैं, उनकी नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैथ्स में भी ओनली 1 शिफ्ट होने वाला है, 2:30 से 5, ठीक है। लेकिन जो हिंदी है, हिंदी 2 शिफ्ट में होने वाला है। कहा जा सकता है कि हिंदी में जो कैंडिडेट्स की जो आप कह सकते हैं कि नंबर हैं बहुत ज़्यादा हैं, तभी हिंदी की जो है सब्जेक्ट उसका 2 शिफ्ट में होने वाला है। इसके अलावा कॉमर्स है, संस्कृत है, मैथ्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इन सभी के अभी फर्स्ट एक ही 1 शिफ्ट में होने वाले हैं, 2:30 से 5:30, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और क्लिक हेयर के लिए आप किस तरह से करेंगे, चलिए मैं आपको ले कर चलती हूँ। ये रहा क्लिक हेयर, देन यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप एप्लीकेशन दीजिए, यहाँ पर आपको देना है डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा आपको क्लियर करना होगा, देन सर्च। तो आप अभी सिर्फ जा पाएंगे अपने प्रवेश पत्र में, सिर्फ ये देख पाएंगे आपकी आपका एग्जामिनेशन डेट क्या है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड व मुद्रित किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। मूल फोटो एक पहचान पत्र लाने पर ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। TAC के द्वितीय भाग में स्वहस्ताक्षर फोटो लगाना अनिवार्य है, ठीक है। और सभी कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, परीक्षा हॉल में प्रवेश बायोमेट्रिक पद्धति से किया जाएगा, ठीक है। मूल प्रवेश पत्र तथा मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री आप नहीं ले जा सकते। ऑल जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो है, आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और एनी अदर इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी आप तक जल्द से जल्द पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।